हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी मेरा एडवर्क का चैप्टर चल रहा है जिसके ऊपर हम 5 वीडियो बना चुके हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। एडवर्क क्या होता है? एडवर्क ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब की या फिर एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब की विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन को और अधिक मॉडिफाई करने के लिए। जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको एडजेक्टिव बोला जाता है, लेकिन एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस, इन सब की विशेषता बताते हैं। ये हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफरेंस में पढ़ा था। बाद में हमने इनके टाइप्स पढ़े थे जिसमें थे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये सभी एडवर्ब्स के टाइप पढ़े थे जिनके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल जो है अब उनका यूज कैसे किया जाएगा वो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। 3 से 4 वीडियो में इनको पूरा कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब, जिसमें सबसे पहले आ जाता है यूज ऑफ टू। टू का एज ए एडवर्ब हम किस प्रकार से यूज करते हैं? टू का मीनिंग होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड के अर्थ में हम टू का यूज करते हैं, जिसको हम बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। बैड क्वालिटीज के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से ठीक पहले हम टू का प्रयोग करेंगे जो कि एज ए एडवर्ब यूज होगा। जैसे सी वॉज टू अगली, दैट फिल्म वॉज टू हॉरिबल एंड ही इज टू डल। तो यहाँ पे अगली, हॉरिबल, डल, ये सब क्या बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं जिनको एडजेक्टिव बोला जाता है। इससे पहले हम टू का यूज करेंगे जिसका मीनिंग रहेगा आवश्यकता से ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि टू का यूज गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले नहीं किया जाता है। जो वर्ड्स, जो एडजेक्टिव अच्छी क्वालिटी को बताते हैं, अच्छी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उनसे पहले हम टू का यूज नहीं करेंगे। गुड क्वालिटीज वाले वर्ड्स कौन से रहेंगे? हेल्दी और हैप्पी, इस तरह के वर्ड्स रहेंगे जो गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। हम उनसे पहले टू का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह किसका यूज करेंगे? वेरी। और वेरी को हम आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे कि वेरी का यूज किस प्रकार किया जाता है। फिलहाल हम चल रहे हैं टू पर। रूल नंबर टू में एक स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे ऊपर सब्जेक्ट प्लस वर्ब था, इसी प्रकार से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद टू का यूज और फिर एडजेक्टिव का, ये हमने ऊपर पढ़ा है। लेकिन इसके बाद, किसके बाद? एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तब हम ये चेक नहीं करेंगे कि जो एडजेक्टिव है वो गुड क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है फिर बैड क्वालिटीज को, तब हम टू का यूज करेंगे, तब हम वेरी का यूज नहीं करेंगे। कैसे? द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पे टू बी ट्रू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, इसलिए यहाँ पे गुड से पहले हम टू का यूज करेंगे, जबकि गुड क्या है? अच्छी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाला एडजेक्टिव है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वेरी। वेरी का यूज हम सेंटेंस के अंदर एज ए एडवर्ब किस प्रकार से यूज करते हैं? रूल नंबर फर्स्ट बताता है कि वेरी का जो मीनिंग होता है वो होता है अत्यंत या बहुत, बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा, इसके अर्थ में हम वेरी का यूज करते हैं। तो वेरी का यूज हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, गुड क्वालिटीज के लिए भी और बैड क्वालिटीज के लिए भी। गुड और बैड क्वालिटीज के लिए हम जिन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं उनसे पहले हम टू का यूज कर सकते हैं। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एक गुड क्वालिटी वर्ड है, उससे पहले हमने वेरी का यूज किया। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी डल, डल क्या है? एक बैड क्वालिटीज वर्ड है, उससे पहले हमने वेरी का यूज किया। उसी प्रकार से दिस सम इज वेरी डिफिकल्ट, ये भी एक बैड क्वालिटी एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट क्या? बैड क्वालिटी एडजेक्टिव है। दैट सम इज वाज वेरी इजी, तो इजी क्या? गुड क्वालिटी एडजेक्टिव है। सुमन इज वेरी इंटेलिजेंट, तो आप समझ गए होंगे वेरी का यूज हम गुड और बैड क्वालिटीज दोनों के लिए कर सकते हैं, जबकि टू का ऊपर कंडीशन लगा हुआ था जो हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर सेकंड, जिसमें बताया गया कि जब किसी सेंटेंस के अंदर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, द सुपरलेटिव डिग्री, द का यूज हम किसके साथ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ, यानी कोई वर्ड है उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड डिग्री ऑफ फॉर्म होती है, उसके साथ हम द का यूज करते हैं। लेकिन जब हम वेरी का यूज इन सेंटेंस के अंदर इनके साथ करेंगे तो द के बाद हम वेरी का यूज करेंगे, यानी द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में वेरी का यूज किया जाएगा। समझ गए होंगे? जैसे एग्जाम्पल है ही वॉज द वेरी बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे बेस्ट और द के बीच में हमने वेरी का यूज किया। नेक्स्ट है ही वॉज वेरी द बेस्ट प्लेयर,
तो वेरी को हम द बेस्ट से पहले यूज नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों के बीच में यूज करेंगे, जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। वेरी का यूज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म को, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इंटरेस्टिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उससे पहले हमने वेरी का यूज किया है। मच का यूज हम नहीं करेंगे। मच का यूज हम किस प्रकार से करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, और सेम यहाँ पे नोट्स में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 4। वेरी का यूज पैसिव वॉइस के सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल के से पहले करते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो उससे पहले हम पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने पढ़ा था। जो पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हम जो पास्ट पार्टिसिपल के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? वेरी का। जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉज वेरी प्लेज्ड टू सी हिज बिलव्ड। तो यहाँ पे प्लेज्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है। उससे पहले हम वेरी का यूज करेंगे, ना कि मच का। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 5, जिसमें बताया गया कि जब प्लेज्ड का यूज हम ग्लैड और हैप्पी के अर्थ में करते हैं। प्लेज्ड का क्या मीनिंग होता है? जब ग्लैड, हैप्पी, खुशी होता है, तो उससे पहले हम वेरी का प्रयोग करते हैं, ना कि मच का। जैसे हमने ऊपर किया था, सेम यहाँ पे है। वेरी किससे पहले यूज करेंगे? प्लेज्ड से पहले यूज करेंगे, या फिर जिसका मीनिंग निकलता है ही वॉज वेरी हैप्पी, या फिर ही वॉज वेरी ग्लैड। रूल नंबर 6 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव मतलब एक शॉक्ड एक्सप्रेशन के लिए हम करते हैं, सरप्राइज के लिए करते हैं। तो उससे पहले हम वेरी का यूज करेंगे, ना कि मच का। तो वेरी का यूज इस प्रकार से भी किया जाता है। इट वॉज वेरी शॉक्ड एक्सप्रेशन, सी लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, इट वॉज वेरी फ्राइटेंड एनिमल। तो आगे दोस्तों नोट्स है, जिसमें बताया गया है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम टू और वेरी दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का यूज करने के अर्थ में फर्क होता है। टू को हम एज ए अनडिजायरेबल यूज करते हैं, यानी अवांछित, अइच्छित, जिसमें कोई इच्छा ना हो वहाँ के लिए हम टू का यूज करेंगे। और जो सेंटेंस आपको वांछित लगता है, इच्छित लगता है, यानी जिसका यूज हम डिजायरेबल के लिए करते हैं, वहाँ पे हम वेरी का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया कि टू प्लस एडजेक्टिव और वेरी प्लस एडजेक्टिव हम किस प्रकार से यूज करेंगे। ही इज टू टॉल, तो वह जरूरत से ज्यादा लंबा है। तो ये एक इच्छा नहीं है, अवांछित वाक्य हुआ, अनडिजायरेबल सेंटेंस हुआ, इसलिए हम टू का यूज करेंगे, ना कि वेरी का। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। तो यहाँ पे हम वेरी टॉल, यानी कि इसको हम एज ए इच्छित डिजायरेबल सेंटेंस के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वेरी का यूज करेंगे। सी इज टू स्लिम, वह जरूरत से ज्यादा पतला है, यानी बहुत ही ज्यादा पतला है। तो ये एक इच्छा नहीं है, अनडिजायरेबल सेंटेंस है, यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। सी इज वेरी स्लिम, वह बहुत पतली है। तो ये एक डिजायरेबल सेंटेंस है, यहाँ पे हम वेरी का यूज करेंगे, ना कि टू का। इट वॉज टू कोल्ड, जरूरत से ज्यादा ठंड है। तो यहाँ पे हम टू के साथ, कोल्ड के साथ टू का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक अनडिजायरेबल सेंटेंस है, अवांछित, अइच्छित वाक्य है। इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है। तो वेरी और टू के यूज करने से हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, डिजायरेबल है या फिर अनडिजायरेबल। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ मच। अब हम सीखेंगे मच का यूज सेंटेंस के अंदर एज एडवर्ब किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि मच का यूज जो है बहुत के अर्थ में करते हैं। मच का मीनिंग क्या होता है? बहुत, बहुत। तो मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं उससे पहले हम मच का यूज कर सकते हैं। कैसे? सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। उससे पहले हम मच का प्रयोग करेंगे, ना कि वेरी का यूज करेंगे, क्योंकि वेरी का मीनिंग भी बहुत होता है और मच का मीनिंग भी बहुत होता है, लेकिन इन दोनों में हम मच का यूज करेंगे। कब? कंपैरेटिव डिग्री से पहले। सी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द एयर इज मच हॉटर टूडे देन यस्टरडे। तो मच, तो हॉटर क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हुआ। उससे पहले हम मच का यूज करेंगे, ना कि वेरी का। वही यहाँ आगे बताया गया है कि वेरी का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं करते, वेरी का यूज नहीं करते, जबकि वेरी मच, वेरी और मच दोनों को एक साथ हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले कर सकते हैं। ही इज वेरी मच बेटर देन यू, तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इससे पहले हम मच का यूज कर सकते हैं या फिर वेरी मच का यूज कर सकते हैं, खाली वेरी का यूज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आता है कि मच का यूज हम द प्लस सुपरलेटिव डिग्री से पहले करेंगे, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम मच का यूज करेंगे, इन दोनों के बीच में हम यूज इन दोनों के बीच में यूज नहीं करेंगे। जिस प्रकार से हम वेरी का यूज करते थे द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में, मच के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे, मच को हम यूज करेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री से पहले। जैसे एग्जांपल है सी ही इज मच द टैलेस्ट बॉय, तो द टैलेस्ट से पहले हमने मच का यूज किया है। अगर वेरी का यूज करना होता तो हम लिखते हैं ही इज द वेरी टैलेस्ट बॉय। तो नोट में भी सेम बताया गया है कि मच का यूज हम इन दोनों के बीच में नहीं करेंगे, किसके बीच में द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में नहीं करेंगे। मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल से पहले करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिखती है उससे पहले हम मच का यूज करेंगे, वेरी का यूज नहीं किया जाएगा। वेरी का यूज किससे पहले किया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन अगर कोई सेंटेंस किस में दिया गया हो, पैसे वॉइस में दिया गया हो, तब हम थर्ड फॉर्म से पहले पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम वेरी का यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बताया गया कि वेरी मच का यूज हम पास्ट पार्टिसिपल से पहले कर सकते हैं, वेरी मच और मच दोनों का यूज हम पास्ट पार्टिसिपल से पहले कर सकते हैं, एडमाइड से पहले हम वेरी मच का भी यूज कर सकते हैं और मच का भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 4 में बताया गया कि मच का यूज हम वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, वर्ब की और विशेषता बताने के लिए करते हैं। कैसे, ही लाइक्स इट मच, तो लाइक्स के लिए हमने मच का यूज किया है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है और अच्छे से दर्शाता है। आगे बताया गया कि वेरी मच का भी यूज हम विशेषता बताने के लिए कर सकते हैं, वर्ब की विशेषता बताने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हैं। आई लव यू वेरी मच, तो लव के लिए हमने वेरी मच का यूज किया है, या फिर आई लव यू मच, तो इस प्रकार से भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ टू मच, तो टू मच का यूज हम सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से करेंगे। जब टू मच एक साथ यूज करते हैं उसमें टू एज ए एडवर्ब यूज किया जाता है, टू का यूज एडवर्ब के रूप में करते हैं, मच का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जब हम टू मच को इकट्ठा यूज करते हैं तो हम इनका यूज नाउन से पहले करेंगे, सेंटेंस के अंदर जो नाउन दिया गया होगा उससे पहले करेंगे। जैसे ही वॉज टू मच डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी क्या हुआ यहाँ पे, एक नाउन हुआ, उससे पहले हमने टू मच का यूज किया है। मच टू रिवर्स मच टू के रूप में यूज नहीं करेंगे, मच टू में मच क्या हो जाता है एडवर्ब हो जाता है और टू क्या हो जाता है एडजेक्टिव, तो टू मच के रूप में यूज करेंगे नाउन से पहले। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मच टू, अब मच टू में मच क्या हुआ एडवर्ब हुआ, टू क्या हुआ एडवर्ब हुआ, दोनों क्या हुए एडवर्ब हुए, तो इसका यूज हम एडजेक्टिव से पहले कर सकते हैं। अगर टू मच है तो टू मच में टू क्या है एडवर्ब है, मच क्या है एडजेक्टिव, लेकिन अगर मच टू के रूप में यूज करते हैं दोनों क्या होंगे एडवर्ब होंगे, और इन एडवर्ब्स का यूज हम एडजेक्टिव से पहले करेंगे ना कि नाउन से पहले। जैसे ही मच टू जलस, तो जलस क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, तो हमने मच टू का प्रयोग किया है ना कि टू मच का, टू मच जलस नहीं होगा, मच टू जलस होगा, उसी प्रकार से पेनफुल के लिए है। नेक्स्ट है ओनली टू, ओनली टू का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, या फिर वेरी के अर्थ में हम करते हैं। जब हम ओनली टू का यूज करते हैं तो उसमें हम बैड और गुड क्वालिटीज के लिए जो एडजेक्टिव यूज करते हैं उनसे पहले करेंगे। जैसे बैड और गुड क्वालिटी वर्ड्स कौन से होंगे, जैसे ब्यूटीफुल क्या है गुड क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, और अनहैप्पी क्या है बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, रीमा इज ओनली टू ब्यूटीफुल, ओनली टू ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल से पहले हमने ओनली टू का यूज किया है जो कि वेरी के अर्थ में यूज होता है। उसी प्रकार से माई फादर इन लॉ इज ओनली टू अनहैप्पी, अनहैप्पी का एक बैड क्वालिटी एडजेक्टिव है, उससे पहले हम ओनली टू का यूज करेंगे जो कि वेरी के अर्थ को दर्शाता है, टू ओनली का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है नन टू, नन टू का मीनिंग होता है बहुत नहीं के रूप में, बहुत नहीं है, नॉट वेरी के अर्थ में करते हैं। इसका यूज हम नन टू का यूज हम गुड और बैड क्वालिटी दोनों के एडजेक्टिव से पहले करेंगे, दोनों एडजेक्टिव के रूप में, दोनों एडजेक्टिव से पहले हो सकता है। गुड जैसे ही इज नन टू गुड, तो ये गुड क्वालिटी एडजेक्टिव है, उससे पहले हम नन टू का यूज करेंगे, और नन टू का मीनिंग होता है नॉट वेरी, और ऊपर हमने पढ़ा था ओनली टू, ओनली टू का मीनिंग होता है वेरी। नेक्स्ट है यू आर नन टू बैड, तो बैड क्या है बैड क्वालिटी एडजेक्टिव है, उससे पहले हम नन टू का यूज करेंगे। तो हमने टू के रूप में पढ़े हैं टू मच, मच टू, ओनली टू, नन टू। तो इनको आप एक एक बार और रिवाइज कर सकते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है दोस्तों यूज ऑफ इनफ, इनफ का यूज हम सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से करेंगे। इनफ का यूज हम बहुत काफ़ी के अर्थ में करते हैं, इसको हम पॉजिटिव डिग्री के बाद करेंगे, इनफ का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के बाद यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसके बाद हम इनफ का यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कोई वर्ड है, कोई शब्द है
उसकी तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री जो होती है उसको बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री। तो अर्चना इज ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट द यंग, तो ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है जिसके बाद हम इनफ का यूज करेंगे। ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, तो ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस। तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है किसका, पॉजिटिव डिग्री का, तो उसके बाद हम इनफ का प्रयोग करेंगे। सेकंड आ जाता है इनफ का यूज हम पर्याप्त के अर्थ में भी करते हैं, पर्याप्त मतलब काफी मात्रा में, निश्चित मात्रा में। तो इनफ का यूज हम एडजेक्टिव से पहले, मेन नाउन से पहले होता है, तो इनफ का यूज हम एडजेक्टिव से पहले करेंगे। जब हम इनफ का यूज पर्याप्त के अर्थ में करते हैं तब हम एडजेक्टिव से पहले करेंगे। जैसे हैव यू गोट इनफ ब्रेड, तो ब्रेड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, इससे पहले हमने किसका यूज किया, इनफ का। वैसे ही देयर इज इनफ साल्ट इन दिस, तो यहाँ पे साल्ट से पहले हमने इनफ का यूज किया। तो इनफ का यूज हम दो प्रकार से करेंगे, बहुत काफी के अर्थ में और पर्याप्त के अर्थ में। जब बहुत काफी के अर्थ में करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री जो लगी होती है उससे पहले करेंगे, अगर पर्याप्त के अर्थ में करते हैं तब हम एडजेक्टिव के बाद करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री में बताया गया कि यदि नाउन के बाद इन्फिनिटिव लगा है, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोला जाता है, या फिर क्या लगा होगा, फोर प्लस नाउन और प्रनाउन, यानी फोर के बाद नाउन और प्रनाउन का यूज हुआ होगा। तो नाउन का यूज इनके बाद होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर के बाद होता है, तो हम नाउन के बाद फिर इनफ का यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम इनफ का यूज करेंगे। ये इन्फिनिटिव का यूज हम इनफ के बाद करेंगे। जैसे आई हैव टाइम इनफ टू टेक रेस्ट, तो टू टेक रेस्ट को हमने इनफ के बाद यूज किया है। वी हैव गोट फूड इनफ फॉर फाइव पर्सन, तो फोर फाइव पर्सन का यूज हमने इनफ के बाद किया है। नेक्स्ट आ जाता है इनफ ऑफ। इनफ ऑफ का यूज हम नाउन से पहले करते हैं, इनफ ऑफ का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। अगर कोई डिटरमाइनर हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो उस डिटरमाइनर का यूज हम नाउन से पहले करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है सी कुड नॉट आंसर इनफ ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पे द क्वेश्चन क्या हुआ, नाउन हुआ, तो इससे पहले हम इनफ ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ। नेक्स्ट हैव यू गोट इनफ ऑफ सच मैंगोज, तो यहाँ पे मैंगोज क्या नाउन है, उससे पहले हमने डिटरमाइनर सच का यूज किया और उस दोनों से पहले हम यूज करेंगे इनफ ऑफ का। तो दोस्तों ये आज की वीडियो है, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी के जो वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप चाहे तो एडवर्ब के चैप्टर को यहाँ से स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे बाकी के चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों आज टाइम कम है, इसलिए हमने आज कम ही कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।